आप देख रहे हैं BHBC News। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटे में 78,357 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 1,045 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 37,69,524 हो गई है, तो अब तक 66,333 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 8,00,000 पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी डेटा के मुताबिक देश में अब एक्टिव केसों की कुल संख्या 8,01,282 है। अब तक कुल 29,19,000 लोग संक्रमण को मात दे चुके हैं। ICMR ने बताया है कि 1 सितंबर को कुल 10,12,367 सैंपल की जांच की गई और अब तक कुल 4,43,37,201 सैंपल की जांच की गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की मृत्यु की दर दुनिया के दूसरे देशों से भले ही कम है, लेकिन 65,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में कोविड से मरने वालों में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या दोगुने से भी अधिक है। कुल मृतकों में से 69% पुरुष हैं। उम्र के लिहाज से देखें तो दम तोड़ने वालों में 90% की उम्र 40 से अधिक है। 22 अगस्त तक कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले 56,292 लोगों में से आधे से अधिक की उम्र 50 से 70 के बीच थी। जान गंवाने वालों में सर्वाधिक लोगों की उम्र 61 से 70 के बीच है, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। कोरोना संक्रमण से महिलाएं पुरुषों से बेहतर लड़ रही हैं। कोविड-19 से मरने वाले प्रत्येक 3 लोगों में महिलाओं की हिस्सेदारी 1 से भी कम है। 22 अगस्त तक जान गंवाने वाले 56,292 लोगों में से 17,315 महिलाएं हैं। अगस्त के तीसरे सप्ताह तक 38,973 पुरुषों की जान गई। जान गंवाने वाले 4 लोगों की कैटेगरी अदर्स है। मौतों का ये ट्रेंड उसी अनुरूप है जैसा कि वैश्विक रूप से देखा गया है। कोविड-19 पुरुषों और बुजुर्गों के लिए अधिक घातक साबित हो रहा है। आप देख रहे हैं BHBC News।